अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो ब्लॉग हो गया स्टार्ट। जी तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे जाएंगे स्कूल और जो है जैगम ने कह दिया था मम्मा मैं अंडा खाऊंगा, तो यहाँ मैं जैगम के लिए आमलेट बना रही हूँ। और जो है पराठा मैं जैगम का बना चुकी हूँ, किसा का मैं हल्के हल्के घी का बनाऊंगी क्योंकि किसा कह रही थी मम्मा मुझे ज़्यादा घी वाला नहीं चाहिए पराठा। और बच्चों की भी बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अच्छा, हमें भी उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक हम माँ बाप नहीं बन जाते। जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो फिर हमें ख़ुद भी समझ में आ जाता है शायद हमने भी ऐसा ही किया होगा। तो जो है यहाँ खैर मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ और जो है काफ़ी दिन बाद बाद से मेरे व्लॉग आ रहे हैं। काफ़ी मसरूफ़ चल रही है ज़िंदगी, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी टफ़ हो गई है। और जो है सुबह उठते हैं और फिर रात कैसे हो जाती है कुछ नहीं पता चलता, काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, व्लॉगिंग तो करनी है, ज़ाहिर है एक दिन बाद डालूँगी व्लॉग या दो दिन बाद, लेकिन डालना ज़रूर है। तो यहाँ मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। यहाँ जैगम मेरे साथ जो है ना तैयार होकर आ गया था किचन में और जो है क्लिप बना रहा था, और यहाँ मैं व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ मैंने अंडा रख दिया है तलने के लिए। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना अंडा। बैक टू माई चैनल, क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो जी यहाँ पर बज रहे हैं 7 और जो है जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बना लिया है। ज़ाहिर है सुबह की नमाज़ के बाद फिर आपको पता है जल्दी जल्दी उठना पड़ता है और जो है बच्चों के लिए स्कूल के लिए तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ देखिए किसा भी आ गई है। किसा तो जी यहाँ पर जो है अभी हम नाश्ता करते हैं और आज लंच में जो है मैं किसा को ये ब्रेड और ये जैम दूँगी और ये एप्पल जैम है, तो जो है यहाँ पर ये दूंगी। और जो है जैगम आ जाओ, आओ चले जी। अच्छा तो भी यहाँ पर नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद फिर हम आते हैं स्कूल से। हाँ जी, और जो है यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं ख़ुद भी थकी हुई थी तो मैं सो गई थी। और जो है अभी जो है किस्सा और जैगम आ गए हैं। अब ये लोग फ्रेश होते हैं और टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 1:30 बज रहा होगा ना, दिखाएं, टाइम बज रहा है 1:30। और जो है जैसे ही अब ये मदरसे जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन वाले आ जाते हैं। तो चलें जी मैं इन लोगों को फ्रेश करवाती हूँ नाश्ते का, देखते हैं क्या करना है मदरसे से आने के बाद इनको। मैं इधर आओ, ये सामान क्यों लाल हो रही है, निकालो। ये देखिए भाग गया, ये आइसक्रीम खाकर आया होगा जरूर, है ना। फिर दांत से खून निकल रहा है इतना सारा। ये देखिए चलो कि साहब कपड़े चेंज करो जल्दी से। भैया ने कौन खाई है? अरे मैंने कौन खाई है, भैया ने मामा भैया। अच्छा ये देखिए जी, अभी बच्चे स्कूल से आए थे और अभी जो है मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको, वहाँ चेक करें आप, वहाँ पर बज रहे हैं 1:45। ठीक है, क्यों बाहर ऐसा हो गया है अंधेरा और बस ऐसा, ये देखिए कैसा अंधेरा गुप हो गया ये। चलें जी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ऐसी ज़बरदस्त आंधी आई है, कैसी ज़बरदस्त आंधी आई है। और जो है किसी भी टाइम जो है बारिश हो जाएगी, और कैसा ये देखिए मौसम हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह खैर करे बस। क्योंकि अभी तो हम इतने बड़े सैलाब से गुजरे हैं, जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है अल्लाह ताला ने उन पर रहम करे। और बारिश को बस कितनी प्यारी हवा है और कितना लशपश मौसम है। और अभी आप असर की अजान, जोहर की अजान सुन रहे होंगे। यहाँ पर देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, बच्चे दोनों अंदर हैं, और वहाँ पर देखिए मुर्गियाँ भी हैं, और जो है मुर्गियाँ अपना एंजॉय कर रही हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ये देखिए अंधेरा हो गया बिल्कुल।
वो देखें वहाँ से खिड़की से दैगम के पापा और दैगम भी झांक रहे हैं। दैगम बाहर आ जाओ। और बारिश स्टार्ट होने वाली है, हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं। यहाँ पर देखिए पुदीना हमारे घर की क्यारी का कितना अच्छा उग गया है। कड़ी पत्ता भी देखिए माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। आगे वो और शुरू हो गई है बारिश। ये देखें बारिश की गाड़ी में बूंदे पड़ रही है ना, मेरे हाथ पे भी पड़ रही है। जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए। वैसे स्टार्ट तो हो गई है। साइड पर खड़े होकर आपको दिखाती हूँ, ये देखें बारिश हो गई है शुरू। ये देखें बाइक पे देख सकते हैं आप, बाइक पे कैसे ज़बरदस्त मौसम है। चलें जी अब अंदर चलते हैं, बारिश हो गई स्टार्ट। पहले आंधी आई उसके बाद फिर अब बारिश आना शुरू हो गई है, क्योंकि मेरा मोबाइल ना गीला हो जाए। यहाँ से मैं लाइट जला देती हूँ, थोड़ा सा लाइट जल जाएगी तो थोड़ा सा रोशनी हो जाएगी, क्योंकि पूरा अंधेरा हो रहा है। और यहाँ मैं बंद कर दूँगी गेट। और जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश हो गई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मौसम। रुक जाओ, आ रहा है भैया भी, जाओ ये लेकर आ गया कुरान। अच्छा छाता जो है ना वो किसा का है, तो इसलिए किसा कह रही है मैं नहीं पकड़ूंगी क्या। जाओ जाओ जल्दी जाओ, देगम दे दो उसको, चलो जल्दी जाओ। देखे ये देखें जाओ जल्दी, आराम से जाना सीढ़ियों से। हम लोग चलते हैं घर। आए मेरे पूरे बाल गीले हो गए। यहाँ जी बच्चों के जाने के बाद नाश्ता हम कर रहे हैं। जैगम ने कह दिया था मम्मा मैं आके नाश्ता करूँगा, तो यहाँ मैं जो हूँ ना नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता बड़ा मज़े का था, आज हमने आलू की बर्फियाँ बना ली थी पराठे के साथ। तो वैसे तो रेगुलर यही होता है, कभी अंडा बना लिया, कभी आलू की बर्फियाँ बना ली, कभी जो सालन रखा है उससे कर लिया। और जो है यहाँ पर साथ साथ मैं पराठे भी बना रही थी, क्योंकि कम पड़ गया था पराठा, तो मैंने सोचा कि मैं जैगम के लिए भी बना के रख देती हूँ। तो उससे फिर क्या होगा, आसानी हो जाएगी, जैसे जैगम आएगा तो फिर उसने फौरन से जैगम और किसान ने नाश्ता कर लेना है। और जो है सुबह का ज़ाहिर नाश्ता करा हुआ होता है, बच्चों ने आते ही तो नहीं खाते हैं, लेकिन सिपारे से आने के बाद तो लाजमी खाएँगे ज़ाहिर है। तो जो है मैं पराठा ही बना दूँगी, आलू की कतलियाँ हैं वो जो ज़ीरे वाली और कुटी हुई मिर्ची और साबुत मिर्ची वाली हम लोग बनाते हैं पराठे के साथ, बड़ी मज़े की बनती है। साथ ही यहाँ पर चाय भी चढ़ी हुई है। और जो है पराठा मैं सीख रही हूँ, बस यही है हमारी आज की रूटीन। कुछ समझ नहीं आता कि व्लॉग में क्या डालें, दरअसल आजकल बाहर जाना आना नहीं हो रहा है ज़्यादा, ना ज़्यादातर मैं बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि मेरी ख़ुद की भी तबीयत सही नहीं है। तो जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी तो थोड़ा सा मैं फिर बाहर के भी व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर जैगम भी आ गया है। और जो है जैगम कुरान रखो वहाँ पर ऊपर ऊंची जगह पे रखो। काफ़ी दिन से मौसम ख़राब था और अब अच्छा खासा अच्छा हो गया है, और बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है। अल्लाह मियाँ का एसी स्टार्ट हो गया है। आराम से, एक तो ये ना बाइक चलाता है बस ऐसे, ये देखें लंबे लंबे गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे भाई, कैसे तीन आदमी जा रहे हैं बाइक पे। अरे अल्लाह इतना आराम से चला भाई। और बारिश भी हो रही है साथ साथ। और अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, और साथ ही फिर हम लेंगे सब्जियां।
तो जो है दूध हमारे यहाँ आता है ऑलपर का, दूध का कार्टन अम्मी का ख़त्म हो गया था तो अम्मी ने कहा कार्टन भी लेते हुए आना। या अल्लाह बारिश हुई नहीं और बस रोड ख़राब होने शुरू। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। खाने में हम बना रहे हैं मूंग की दाल, भुनवा दाल जिसे कहते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सादा रेसिपी है। तेल डाला, मेथी दाना डाला, उसके बाद प्याज डाली और फिर लहसुन अदरक डाल दिया और सिंपल टमाटर चॉप करके डाल दिए। और मसाले जो आप और मैं डालते हैं घर के अंदर बस वही डालेंगे। और जो है सिंपल सादी सूखी दाल है, बड़ी मज़ेदार थी और बहुत झटपट बनने वाली। झटपट बोले तो और एक चीज़ है भूल गए क्या? मैं क्या भूल गया? यहाँ पर जो है छोले बन रहे हैं और छोले हमने कल ट्राई करे थे क्योंकि अम्मी ने सूरह मुज़म्मिल बन करी थी तो जो है ना वीडियो नहीं बनाई थी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि बस पीछे आप गुलकारियाँ देख रहे होंगे तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो जो है ना सूरह मुज़म्मिल के छोले रखे हुए थे तो हमने सोचा कि बस अब इसको हम जो है पकाते हैं और बड़े मज़ेदार से बहुत चटपटे और मज़ेदार बनाती हैं। चटपटे छोले, चटपटे छोले, काले काले छोले, कोई बात नहीं। मैं भाई तो ओ भाई यार ये सब लोग देखेंगे, ऐसी देखेंगे लोग, बाकी आप लोग मरती है। अब तो यार डाना नहीं के लिए ये छोले वाला तो यहाँ पर देखें चने की चाट अम्मी बना रही हैं और जो है मैंने सूरह मुज़म्मिल करवाई थी तो जो है वो चने रखे हुए थे तो हमने सोचे चाट बना लेते हैं। साथ में हमने दाल भी बना ली है और दाल मैंने मूंग की बनाई है और चने की चाट अम्मी बहुत मज़े की बनाती हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा भाई आज भी बना लें क्योंकि मुज़म्मिल के चने रखे हुए थे तो हमने सोचे कि वो ज़ाया ना हो, अच्छे खासे रखे हुए थे। तो यहाँ पर चाट की तैयारी हो रही है और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और जो है कमेंट में ताकि मैं आपको पूरी रेसिपी दूँ। और यहाँ देखें मूंग की दाल भी मैंने तैयार कर दी है, बड़ी मज़ेदार सी दाल थी है और आज दिल से आ रहा था दाल खाने का। अगर इसकी भी रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो मुझसे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और यहाँ मैं अपना व्लॉग भी चने एंड करती हूँ और चने की चाट बड़ी मज़ेदार थी शक्ल से, ये देखें जी कितनी मज़ेदार लग रही है ना, तो ये सब हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो है दुआओं में मुझे याद रखिएगा और बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला बारिश उतनी बरसाए जितना हम सह सकें। और यहाँ देखिए अम्मी आखिर में जो है नींबू छिड़क रही थी के बड़े मज़ेदार से नींबू और टाइट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।